हाथ हाथ गुटे तोले दुटा अच्छे हेरा ऊपर तोर तोर हाथ ऊपर हेटा जी हेटा हेटा तोल दोस्तों नमस्कार, आपको स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और आज हम ये खाने वाले हैं ये ककड़ो, और ये हमारे समलपुरी भाषा में झुंगा मैंने जोनही बोलते हैं। और ये आलू दो ठो हम इसमें मिसाएंगे, और ये टमाटर के साथ हम वहाँ पे भाजा बनाएंगे। तो आज मैं फिर आपको एक जगह दिखाऊंगा, उधर वो जंगल में है, उसमें पत्थर तोड़ते थे तो उसमें गड्ढा हो गया है। और उसमें भी कभी कभी हम वो जो आपको मैंने जो तालाब दिखाए थे वहां भी जाते थे, और उस जंगल के और भी हम जाते थे। उस जंगल के पास हम जाते थे तालाब में लॉकडाउन के लिए, पानी को सुखा दिया था इस धूप के मौसम में, तो उधर भी हम जाते थे। तो उसको भी हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए। कमेंट में बोलते हैं हमारे भाभी बात नहीं करते हैं, ऐसा बोलते हैं कमेंट में। समलपुरी भाषा थे तो कोई कोई पर वो आमे भोल अच्छु कोई दे वाह। दोस्तों आपके भाभी को शरम लग रही है बातचीत करने में, इसलिए मैं उनका वीडियो नहीं बना पाता हूँ बोलने का वीडियो। तो धीरे धीरे उसको मैं कहूँगा कि बात करे वो हमारे संबलपुरी भाषा में भी। हिंदी तो नहीं बात कर सकेंगे, मेरा तो गड़बड़ी हो जाता है हिंदी में, मैं भी तो अच्छा से नहीं बोल पाता हूँ। तो संबलपुरी भाषा में उसको बुलवाऊंगा एक दिन ना एक दिन। अभी उसको बहुत शरम आ रही है कैमरे में बोलने के लिए, तो माफ करना दोस्तों, आपके भाभी जरूर एक दिन ना एक दिन बोलेंगे। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए।
I am the man who left the door. तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं आपको वो जगह दिखाने के लिए, वो जंगल के पास में वो गड्ढा है, बहुत बड़ा गड्ढा। तो वो जो हमने जो आपको जो तालाब दिखाए थे वो रिपेयरिंग हो रहा था इस धूप के महीने में, तो उस पानी को सुखा दिए थे, तो उसमें पानी नहीं था, तो उसमें भी उस गड्ढा के पास भी हम नहाने के लिए हम जाते थे, और मैं और पवित्र हम जा रहे हैं, हम दोनों वो गड्ढा आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए। बेटा रो बेटा मुई अगले मेरो दोस्तों आप देख सकते हैं उधर रास्ता पूरा बंद हो गया है, तो मैं पवित्र को उठा के जाऊंगा। अभी थोड़ा बारिश में पूरा रास्ता बंद हो गया है, तो पवित्र को हम उठा के लेंगे। आ बेटा इन खोदो खोदो वो एलता। यार देख बेटा है करी दे। दोस्तों आप देख सकते हैं रास्ता पूरा बहुत खराब है, इसलिए पवित्र को मैं उठा के लेके जा रहा हूँ। पवित्र से भी ऊंचा ऊंचा घास लोटा है, तो पवित्र चल नहीं पाएगा, इसलिए मैं उसे उठा के लेके जा रहा हूँ। सांप का भी डर हो है। बहुत ही घास है। हाँ बेटा, तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों उधर, इसके पास हम नहाने आते थे, ये गड्ढा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये पूरा पानी भर गया है, इसमें भी हम नहाने आते थे। वो जो तालाब हमने दिखाए थे वो तो रिपेयरिंग कर रहे थे, सीढ़ियां बना रहे थे, तो पानी को सुखा दिए थे, तो उसी समय पे हम यहाँ पे भी हम नहाने आते थे। हमारे गांव घर से 1.5 किलोमीटर के दूर पे है ये, बहुत ही मुश्किल से हम आए, रास्ता भी पूरा बंद हो गया है, वो क्या क्या उग गया है, तो रास्ता भी नहीं दिख रहा है, और उसमें पानी भी था उस रास्ते में, तो बहुत बहुत ही मुश्किल से हम आए। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ऊपर से हम थोड़ा कुछ आपको दिखाते हैं नज़ारा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ऊपर से ऐसा दिखता है ये, इसमें भी हम नहाने आते थे, इसमें भी दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत बड़ा गड्ढा है। दोस्तों पहले इसमें पत्थर तोड़ा करते थे और क्रशर में जाता था, ऐसा काम होता था, तो इसमें गड्ढा हो गया, तो इसमें पानी भरने लगा, और पानी नहीं सूखता है ये धूप के दिन में भी, और इसमें इस जगह में भी हम नहाने आते थे। तो अब हम घर की ओर जाएंगे, उधर खाना पक रहा होगा, वो कांकड़ों और आलू और वो समलपुरी भाषा में जो बोलते हैं जोन्ही, वो उसमें भाजा किया होगा, तो हम घर जाकर हम खाएंगे।
आपके साथ हम शेयर कराएंगे। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए। मनीषा यार आए करी दे, हाय आए करी दे, हाय हाय। दो तीन हाय करो, हाय हाँ देहा देखी करी गो चल हाँ। तो दोस्तों हम चालू करते हैं, हम वहाँ से आपको जो गड्ढा दिखाए थे वहाँ से घर आने तक वो रेडी हो गया था, तो अभी हम खाएंगे। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए, चलो खाओ। हाय करी दे, बोलूं का जाना तो बोलूं नहीं। पानी पीबो पानी पीबो, हाय करी दे, आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना और लाइक करना और शेयर भी आपके इच्छा के अनुसार कर देना। तो दोस्तों ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हाय करिए सभी।